हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि क्या प्रेगनेंसी में हमें मोरिंगा खाना चाहिए, जिसे हम लोग आम भाषा में सहजन बोलते हैं। तो ये सहजन हमारे बच्चे के लिए कुछ असर तो नहीं करेगा, कुछ बुरा असर तो नहीं करेगा, क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। और जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, उसके बाद से आपको हिदायतें पे हिदायतें मिलती रहती हैं। चाहे जितने भी रिश्तेदार हों, आस पड़ोस के लोग हों, जो भी आपसे मिलते जुलते हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं। कोई हमें बोलता है कि कुछ चीज़ों का सेवन करना चाहिए, कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो जो एक कॉमन आउटकम जो नज़र आता है, बहुत सारे जो लेडीज़ परेशान हो जाती हैं, जो गर्भवती महिलाएँ होती हैं परेशान हो जाती हैं। कोई लोग बोलेंगे कि नहीं खाना चाहिए, कोई बोलते हैं नहीं खाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सटीक आंसर देने वाली हूँ कि क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, ये जो सहजन की जो फली होती है, ये हमें बारहों मास मिलती है। बहुत सारे ऐसे भी साउथ इंडियन डिशेज होते हैं जिसमें ये सांभर में भी डाला जाता है और ये रेगुलरली प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन इसका जो मेन, जो अगर देखा जाएगा कि बहुतायत मात्रा में अगर जो मिलती है, ये आपको मार्च के महीने से लेके आपको ज़्यादा से ज़्यादा मई तक मिलती है। उसके बाद ये फलियाँ बहुत ही ज़्यादा मोटी हो जाती हैं, जिसको काफ़ी लोग पसंद नहीं करते हैं। लेकिन वहीं पर बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जो इनको मोटे रूप में भी ज़्यादा पसंद करती हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे, मैंने जैसे साउथ इंडियन डिशेज बोले उसमें भी डाला जाता है, तो ये मोटी मोटी जो फलियाँ होती हैं वो भी इस्तेमाल होती हैं। तो मन में बहुत सारे लोगों की सवाल आएगा कि नहीं, जब पतला रहता है तो खा सकते हैं, जब मोटा रहता है तो नहीं खा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, चाहे मोटा हो या पतला, इसमें इतने ज़्यादा भरपूर गुण आपको मिलेंगे। लाइक आपको इसमें कैल्शियम, कैरोटीन, फास्फोरस और आयरन की भी कंटेंट आपको देखी जाती है। और कहा जाता है ना, डॉक्टर्स भी आपको कैल्शियम की भी गोली देते हैं, आयरन की भी गोली देते हैं, लेकिन इसमें कैल्शियम की भी मात्रा भरपूर होती है। और कहा जाता है कि अगर आप नेचुरल चीज़ों से ज़्यादा अगर आप न्यूट्रिएंट्स लेना कोशिश करेंगे, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। बशर्ते कि अगर आप रेगुलरली बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं तो इसका असर बहुत, देखिए असर तो होता है, ऑब्वियस सी बात है कि दवाइयों का असर होता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप नेचुरल चीज़ों से भी अपने गर्भावस्था में जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, कोई सब्जियां होती हैं, उसका अगर सेवन करते हैं, तो उसके जो गुणवत्ता होती है वो आपके और आपके बच्चे तक ज़रूर पहुंचती है। तो जो भी नेचुरल जो सीजनल फ्रूट्स है, कोई सब्जियां हैं, उनको ज़रूर लेना चाहिए और इसमें बिल्कुल भी हार्म नहीं है। सहजन आपके और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल स्वस्थ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैटर करता है कि आप कितनी ज़्यादा आप उसकी क्वांटिटी ले रहे हैं। कई बार बहुत सारी लेडीज़ को इतना ज़्यादा पसंद होता है कि वो बहुत ज़्यादा सब्जियों के रूप में या बहुत ज़्यादा लेती हैं, तो मे बी उनकी इनडाइजेशन हो सकती है। लेकिन अगर उनकी क्वालिटी मैं बोल रही हूँ, उनकी अगर क्वांटिटी अगर आप सही लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ एक मिनिमल अमाउंट में अगर खाते हैं, तो ये उल्टा आपके लिए बेनिफिशियल ही होता है। बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ, आपको कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा मिलता है, आपके जो कैरोटीन फास्फोरस की जो मात्रा होती है, जो कि आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सब कुछ आपको मिलेगा। और कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारी लेडीज़ अगर मॉर्निंग सीकनेस से बहुत ज़्यादा परेशान है, कई बार नौजिया वॉमिटिंग किसी महिलाओं को बहुत ज़्यादा होता है, उस केस में ये चीज़ें बहुत रिलीफ करती हैं और आपकी जो वॉमिटिंग की जो अर्ज है उसको कम करती है। मॉर्निंग सीकनेस में आपको बहुत हद तक राहत मिलती है, तो इस चीज़ का सेवन करना गलत नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर इसकी गुणवत्ता लेनी है, तो कई बार जो लोग फलियां नहीं खा सकते हैं वो पत्ते भी उबाल के पी सकते हैं। तो सबके अपने अपने डिशेस होते हैं, बनाने का तरीका होता है, लेकिन नटसेल में आप ये जान लीजिए कि जो सहजन होता है पूरी तरह से अच्छा होता है और ये डिलीवरी में भी आपको बहुत मदद करता है। इनफैक्ट जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनमें ये हेल्प करता है। तो मुझे लगता है कि सहजन को लेके आपकी सारी जानकारियाँ, सारे जो मिथ्स हैं या फैक्ट्स हैं, जो भी आप समझ पाएँ, आपको सारी जानकारियाँ मिली होंगी, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, तो आप बिना ज़्यादा दिमाग लगे आप आराम से प्रेगनेंसी में सहजन खा सकते हैं। लेकिन हाँ, क्वांटिटी का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और एक इंपॉर्टेंट सूचना, मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्विंस माय वर्ल्ड केयर, तो वहाँ पर भी जाइए और वीडियोज़ देखिए, वीडियोज़ आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होंगे। और बस और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, इंस्टाग्राम पर चाहो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।